अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, हम लोग बनाने लगे हैं नाश्ता और हमारी गैस बंद है। जैसे कि मैं पिछले दो तीन ब्लॉग में बता रही हूँ कि हमारी गैस नहीं आ रही। और आप हमारी छत का हाल चेक करेंगे, बालन ऐसे लगाया हुआ है लाइन वाइज। और ये मेरी मम्मा आग जला रही है और हमारी देगची का हाल चेक करें। तो अभी मैं अपनी अम्मी जी के साथ नाश्ता बनाऊंगी और नीचे ये जो शोर आ रहा है ये अरबी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, इधर भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ उधर हैं और कुछ अभी चले गए हैं क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो रहा था। तो टाइम तो हमारे स्कूल का भी हो रहा है और मेरी सिस्टर ने भी जाना है, आज उसका पेपर है। तो आज वो नहीं नाश्ता बनवा रही, पहले वो नाश्ता बनवाती होती है और मैं नीचे काम करती हूँ। तो आज वो पढ़ रही है, तो हालांकि पढ़ना मुझे भी था लेकिन वो कह रही है अभी आप नाश्ता बना दो मम्मी जी के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने आग उग क्या जलानी, मुझे थोड़ी जलानी आती है, मैं बस मैंने कहा चले आज सुबह का वैसे भी ब्लॉग बना लेते हैं। और आग तो मम्मी जी चला रही है और आग भी नहीं जलती, पहले पहले तो हमने कभी जलाई भी नहीं है तो इसलिए जल भी नहीं रही इतनी, खास धूंध नहीं आई जा रहा है, पता नहीं किस तरह का ये लकड़ियों का बालन है। अम्मी जी जल तो रही है ना, फूके शूके मारे, चाय रखी हुई है। तो जब तक चाय बने मैं कोई और काम कर रहा हूँ। कप वगैरह फिर मुझे आवाज दे दीजिएगा जब रोटी बनानी हुई, ठीक है? फिर मैं आग जलाऊंगी, आप रोटी बना लीजिएगा, उतनी देर में नीचे से कोई और काम कर लेती हूँ। गाइज मैं अब फिर नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कोई और काम करने वाला है तो वो करती है, फिर अम्मी आवाज दे देगी तो फिर उसके बाद अम्मी जी के साथ आग रोटी बना रही। ज्यादा फाया बुरी बात। हाँ अच्छी लग रही हूँ, तो गाइस अभी कमरे में बहुत ज्यादा गंद पड़ा है, मैं ये गंद शंद उठा लूँ उसके बाद फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। पेपर तुम्हें तैयार हो गया? अभी अम्मी जी चाय बना रही है तो फिर उसके बाद ब्रश बाद में करते हैं नाश्ता करने की, लेकिन करते बाद में यही इमरजेंसी होवे फिर ले कर लेने। मैं तुम्हें कौन सी इमरजेंसी? नहीं है बस कहते पहले करना चाहिए ना, आप पहले करके जाना नाश्ते से पहले कब पुरुष करना चाहिए, कौन सी किताब में? ओ तो मैं खेलने जाना था, मैं ये कहता ना फोरम के पूछना आ मेरी गाल सामने। नहीं वैसे नाश्ते के बाद पुरुष और रात को सोने से पहले पुरुष करना चाहिए। गाइस आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है, इसको पता ही नहीं है नाश्ते के बाद पुरुष करना चाहिए तो फिर तुम क्यों कह रही हो नाश्ते के पहले? स्मेल नहीं आती लेकिन रूल इज अ रूल, रूल है दुनिया। चलो बातें बंद करो अभी, मैं काम करनी चाहिए। अभी कौन सा आटा दिया? क्यों भाई वो दो, नहीं वो दो गाइस, ये लोग झगड़ा कर रहे हैं अत्तर की वजह से। मेरे इतर 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 अत्तर भी कह सकते हैं। अच्छा मेरे बाबा लेके आए थे, मेरे भाई ने ले लिया और ये सुबह सुबह इसको कोई काम नहीं सूझा, इसका पेपर है। तुम बंदा पूछे अपना पेपर याद करो ना भाई। गाइस मेरे पापा ने पेपर याद नहीं कर दी और इतर की पड़ी हुई है, मुझे इतर दे दो इतर दे दो। चलो काम वगैरह कर ले, तुम भी थोड़ा बहुत करवा दो काम हमारे साथ। चल रहा पेपर में लाग जाओ तो नीचे नकल मारना।
नहीं इसको आता है सारा है ना अल्हम्दुलिल्लाह आता है इंशाल्लाह। चलो अभी मैं चीजें क्लोज कर लूं फिर अम्मी जी ने आवाज देनी है फिर नाश्ता बनवाने भी जाना है। अच्छी तैयारी है चलो गाइस मैंने कमरे से चीजें वगैरह क्लोज कर ली हैं और अभी मैं मेरी अम्मी के साथ रोटी बनवाने मेरी सिस्टर गई हुई है लेकिन अम्मी फिर भी मुझे आवाजें दी जा रही है उसे पता नहीं आग चल रही कि नहीं और ये कदद मेरी आप ही को दौरा पड़ गया और ये पुत्र बबरिश कर रही है आप ही को पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा हुआ मैं ऊपर जाके देखती हूँ अब के आग जल रही कि नहीं। हाय मेरी मुन्ना आग जला रही है इससे नहीं जल रही है मेरी आग बस मेरी रोटी खा रही हूँ जाना नहीं उन्हें भी चलो साथी उठो फिर ये चौंकी तो मैं लाई थी नीचे से लाई थी मैं ही चले मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ। ये किस तरह की रोटियां बन रही हैं वंडरफुल दोरे पड़े अंकल को भी दोरे पड़ते हैं रिक्शे वालों को उसका पेपर है बाद में वो कहता है मैंने 8:15 बजाना है फुकनी शुकनी का है इसको शुक मार 7:20 तो लाके फिर भी 8:15 बजाना नहीं अगर 7:20 पे रेडी ना हुई तो फिर उसके मैं कहता तेरा दिमाग ठीक है अम्मी जी वो फुकनी मुझे पकड़ाई ना मैं इसको फुक शुक मारू टाइम क्या है तुम नीचे से सादिया फातिमा से पूछ लो क्या टाइम है इधर से कैसे बताऊं इधर से नहीं पता चल रहा नहीं चलना पता सादिया मैं सही से बैठी नहीं हूँ तो मैं आग कैसे जलाऊं मुझे इसलिए नहीं जल रही है सब बनने हो डाय कर ना ये चाय उठा के उधर करोगे हैं चलो फिर कर दो मैं आगे बैठ जाऊं उठाओ चार तेरा देना गाइस ये हमने चिड़ियों को मेरी बाजू ने रोटी डाली होती है चिड़ियों को रोटी और पानी चिड़ियों ने रोटी खाई नहीं कल वो कहती होंगी हमें भी हमें इन्होंने कौन सी रोटी डाली हुई है थोड़ी सूखी सूखी ही आग पे उनको पता है सही नहीं बनती चिड़ियां भी नाराज हो गई हैं गाइस आग पे हमारी रोटियां सही नहीं बनती मतलब के अकड़ी अकड़ी सी बनती हैं और चिड़िया भी हमसे नाराज हो गई होंगी कि इस तरह की रोटी देते हैं आप लोग हमें है ना अम्मी कहती होगी आकड़ी जिया रोटियां दे देते पहले फ्रेश फ्रेश देते थे ताज़ा ताज़ा रोटी और साथ में चाय भी देते थे मेरी आपी साथ में सर्दियां जब होती थी ज्यादा तो उनको चाय भी डाल देती थी मुझे लगता है मैं बातें करी जाऊंगी आग जो मुझसे आग कोई जलनी जुलनी नहीं है और नीचे से काम भी रह जाना और मैंने भी रेडी शेडी खुद भी होना आप ही बस आ करी जा रही है पर मैं कहती आप ही से कह रही थी आपको कौन से ये स्नैन वाले दौरे पड़े हैं हड्डी तो सलीम का बेटा नहीं करता आप गाइस देखिए आग जल रही है थोड़ी बहुत इसको एक और फूंक मारते हैं चले अब जलने लगी है आग हाँ जी ये हमारे काजी साहब हर वक्त बोलते रहते हैं तो आप लोग रान को रहने आग कितनी अच्छी जल गई है ना अम्मी जी बुरी बात है मैं कौन सी आग लगाती देखो मैंने इतनी अच्छी आग जला दिया कि अच्छी अच्छी रोटियां बने और सादिया तुमसे नहीं जल रही थी आग जल जा पूछ अम्मी क्या पूछो नहीं नहीं गाइस इस रोटी में फर्क देखिए और जो पहली रोटी थी उसमें फर्क देखना था देखी थी बल्कि मैंने आपको दिखाई थी और ये रोटी कितनी अच्छी बनी तो फिर नहीं तुम मान जाओ कि मैं हर काम में परफेक्ट हूँ नहीं तुम्हें मानना ही पड़ेगा है ना अम्मी जी आ तो मानती है ना मानती है
गाइज मेरी अम्मा कह रही मानते हैं जी, मानते हैं आप हर काम में परफेक्ट हैं। गाइज पराठा तो वैसे गरम गरम ही खाने वाला होता है, मुझे ना कैसे खाऊं मैं, तो फिर आग जलाऊंगी या पराठा खाऊंगी। और मेरे हाथ भी लकड़ियों से गंदे हो गए, तो बाद में ठंडा हो जाता है। मेरा तो दिल नहीं करता, बाकी सबका मुझे पता नहीं है, मुझे तो गरम गरम पराठा हो। काते काते खा जाती थी पहली पहली औरतें या माइया औरतें। मैं भी फिर नाश्ता कर लेती हूँ साथ साथ ही, तो फिर उसके बाद मैंने त्यार शहर भी होना है और स्कूल भी जाना है। स्कूल के बाद फिर मैंने उधर से कॉलेज जाना है पेपर देने के लिए, तो फिर लेट हो जाऊंगी ऐसे। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।